तो यहाँ पर सबसे पहले ये पेरेला डीबीटी ऐप यूजर मैनुअल है। सबसे पहले आप डीबीटी जो ऐप है लॉन्च किया गया है इसको प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन अभी हमने जो देखा है साधारणतः ये सर्च में नहीं आ रहा, लेकिन लिंक है वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो इस प्रकार का आइकन देखेगा, उसे क्लिक करके ओपन करिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगने के बाद में उसमें नेक्स्ट करेंगे आप। जैसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर जाएंगे तो यहाँ से आपसे एक नया ऑप्शन यानी कि कुछ भरने के लिए मांगेगा, जैसे कि इंटर पिन। पिन आपको जनरेट करना पड़ेगा, सेम 4 डिजिट का होगा, कोई भी अपने हिसाब से बना लीजिएगा। दोनों बार भर के रजिस्टर बटन पर ओके कीजिएगा और जैसे रजिस्टर बटन पर ओके करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन के पश्चात में इस प्रकार की ये जो स्क्रीन है वो शो होगी और इसमें डीवीटी लिखा होगा और नीचे आपका वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट लिखा होगा। तो आपको डीवीटी पर क्लिक करना है। जैसे आप डीवीटी पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी टीचरों का डिटेल ओपन हो करके आ जाएगा, खुल के आ जाएगा। किसी भी शिक्षक को यदि हटाना है, मतलब इसमें ये हुआ कोई भी अध्यापक आपके यहाँ जो शो हो रहा है वो किसी अन्य विद्यालय में ट्रांसफ़र हो गया है तो उसे आप रिमूव बटन यहीं पर आएगा, उसे क्लिक करके और यस करके आप रिमूव कर दीजिएगा। और यदि किसी अध्यापक को जोड़ना है तो यहीं पर ऊपर ऐड न्यू टीचर आएगा, उस पर क्लिक करके आप उसके डिटेल को भरने के बाद में उसे जोड़ सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट बटन नीचे आएगा, नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे नेक्स्ट बटन करके, जहाँ से आपको बच्चों की सूचना मिल जाएगी, बच्चों की सूची मिल जाएगी। और इसके बाद में किसी भी बच्चे को जो आपके विद्यालय से किसी कारण से चला गया है तो उसे आप ड्रॉप आउट क्लिक करके उसमें से रीजन को सिलेक्ट करेंगे और इसे ड्रॉप आउट में दिखा देंगे। और इस प्रकार से फिर उसके जब डिटेल को आपको भरना है फिर आपको इसके डिटेल को भरना होगा और उसको वेरीफाइड करना होगा। सभी वेरीफाइड और ड्रॉप आउट छात्र छात्रा ऐप में प्रदर्शित वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट टैब में दिख जाएंगे, जो कि हमने ऊपर ही आपको बताए थे जहां पर ये दो ऑप्शन आएंगे। इनमें से नीचे जैसे ही आप ड्रॉप आउट या वेरीफाइड करेंगे तो वो नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट आपके वेरीफाई के लिए मांगेंगे तो इस प्रकार से आपके द्वारा वेरीफाई किए गए सभी बच्चे इस प्रकार से प्रदर्शित होंगे। स्टूडेंट वेरीफाई उनका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही दो ऑप्शन आएंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन व डीबीटी का ऑप्शन प्रदर्शित होगा। डीबीटी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया पर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित स्क्रीन पर कक्षा का चयन करते हुए स्वयं को आवंटित करने हेतु क्लास के आगे दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करते हुए हरे रंग का नेक्स्ट बटन के पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी शिक्षक है कोई भी, उसे क्लिक करके उसके बाद में उसमें कौन सा क्लास अलॉटमेंट किया जा रहा है तो क्लास आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर चले जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर जाएंगे तो आवंटन आपका हो जाएगा। और यदि नीचे नेक्स्ट बटन जो ग्रीन कलर का है उसके नीचे वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आवंटन रद्द भी हो सकता है, यानी कि रद्द भी किया जा सकता है और आवंटन किया भी जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो समझ आएंगे उसको देखेंगे, जैसे कि छात्रवार अभिभावकों का आधार सत्यापन व उनके बैंक खाता संख्या को जानकारी भरने हेतु क्लिक करेंगे। और उसके बाद सत्यापन के उपरांत प्रमाणित और सत्यापित पूर्ण न होने वाले हो पाने के कारण अप्रमाणित छात्रों का विवरण देखने हेतु यहाँ पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद में शिक्षक के द्वारा बीईयू को भेजे गए प्रमाणित छात्र छात्राओं का विवरण, बीईयू द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत छात्र छात्राओं की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। और PFMS पोर्टल पर द्वारा बैंक खाता या आधार लिंकेज रिपोर्ट और भुगतान रिपोर्ट की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो कोई भी यदि जब भेज रहे हैं आप तो वहाँ पर सिंक बटन को आपको ज़रूर क्लिक करना होगा, जो भी सर्वर पर भेजे गए डेटा होंगे। अब यहाँ पर यदि आए तो जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार सत्यापन हेतु, तो करने हेतु विवरण भरें, तो यहाँ पर विवरण भरें आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र छात्रा के अभिभावक के पूरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ से इस स्क्रीन में जो भी प्रदर्शित है उस छात्र
चयनित छात्रा का प्रेरणा पोर्टल पर अंकित पूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है, जिसमें अतिरिक्त पूछी गई जानकारी को बहुत ध्यान से या ध्यानपूर्वक भरना होता है। तो इसे आप पूरा भर दीजिएगा और उसके बाद नीचे आइएगा। यदि आपको छात्रा की किसी भी जानकारी में कोई बदलाव करना है तो इस अनुभाग के अंत में पूछे गए प्रश्न को यस करते हुए बदलाव की जाने वाली फील्ड के आगे सही जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद में आप इसमें भर देंगे। उसके बाद में आगे आएंगे, इन पॉइंटों को ज़रूर आप ध्यान से देखते चलिएगा, जैसे कि कौन कौन से पॉइंट आपको भरने हैं। यहाँ से देखिए, इस अनुभाग में चयनित छात्रा के माता पिता व अभिभावक का आधार सत्यापन किया जाना है। सर्वप्रथम अभिभावक को इस DBT की प्रक्रिया व इसमें एकत्रित की जाने वाली सूचना की जानकारी देते हुए सहमति बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा और इस फील्ड में अभिभावक का छात्र के साथ संबंध जानकारी दी जानी है। यदि आधार की मूल प्रति उपलब्ध है तो आधार कार्ड को स्कैन कर प्रयोग करते हुए आधार पे बने QR कोड को स्कैन करके पूरी जानकारी भरी जा सकती है। यदि छाया प्रति उपलब्ध है तो छाया प्रति से मिलान करते हुए पूछी गई सभी जानकारी को बहुत ध्यानपूर्वक भरा जाएगा। आधार कार्ड पर अंकित माता पिता अभिभावक के नाम की स्पेलिंग हूबहू स्पेस का विशेष ध्यान रखना है, जैसा है आधार में है वैसा ही आपको भरना है हर हाल में। उसके बाद सभी जानकारी भरने के उपरांत नीले रंग के बटन पर क्लिक करके इसे आधार वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे और अभिभावक के आधार सत्यापन हो जाने के उपरांत अभिभावक की बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति या मूल प्रति प्राप्त करते हुए अभिभावक के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाता संख्या का विवरण अनुभाग में भरा जाएगा और इसमें आपको सिर्फ IFSC कोड और उसके बैंक खाता संख्या भरना होगा। बस दो केवल पॉइंट इसमें बैंक में आपको भरने होंगे। जैसे ही भरेंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली इसका मतलब यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। यह जानकारी देने के उपरांत आपको अपडेट एंड सेव पर क्लिक करना होगा, जिससे कि फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। अब आगे आएंगे, आगे जब आप देखेंगे ऊपर की ओर यहाँ पर, तो ये बिंदु होगा और छात्र के अभिभावक का आधार सत्यापन व बैंक खाता की जानकारी भरने के उपरांत आपको पुनः इस अनुभाग में जाकर चयनित छात्रा के आगे वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हुए प्रमाणित करना होगा। तो ये जब आप यहाँ पर करेंगे और एक दो बच्चे का डिटेल जब आप क्लियर कर लेंगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा। अभी थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि यहाँ पे हालांकि लाइव भी नहीं हम दिखा पा रहे क्योंकि अभी ऐप भी कार्य नहीं कर रहा है। जैसे ही ऐप काम करेगा तो हम लाइव भी इसका डेमो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर केवल जो भी यूजर मैनुअल ऑफिशियल यूजर मैनुअल है ये उसी का प्रयोग करके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने द्वारा प्रमाणित किए हुए छात्रा का रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ से आप जिन छात्राओं के अभिभावकों का आधार सत्यापन पूर्ण नहीं हो पाया उनकी सूची आप प्रमाणित छात्रा में देख सकते हैं। BEU को भेजे गए प्रमाणित छात्रों की रिपोर्ट इस जगह देख सकते हैं और फिर नीचे आएंगे, इनको देखेंगे जो भी हैं वेरीफाइड लिख करके इनमें आ रहा है। तो यहाँ पर जो डाटा सर्वर पर नहीं भेजा गया है उसे सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू सिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी को सर्वर पर सिंक होने की रिपोर्ट्स यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। PFMS द्वारा आधार अनसीडेड बैंक खाता की सूची यहाँ पर प्रदर्शित होगी। ये एरो सभी में लगे हुए हैं, इनको आप देखिएगा, सभी आपको समझ आ जाएंगे। छात्राओं के अभिभावकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की जानकारी देते हुए उनको पुनः सत्यापित करने की किया जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे हम और देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी यदि समस्या आ रही है तो ऐप में भरी जाने वाली किसी भी जानकारी से संबंधित समस्या के लिए निम्न जानकारी के साथ अपने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप में भेजें, जैसे कि नाम, पद, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, जनपद, ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और इसके बाद में आप अपनी समस्या इस ईमेल ID पर या फिर ये हेल्प नेम नंबर जो आपका दिया गया है इसके माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से DBT को भर सकते हैं।